देश के पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी द्वारा संचालित मदरसे स्कूल में करवाया जाएगा मंदिर का निर्माण। सलमा अंसारी ने इसकी स्वयं दी जानकारी। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी द्वारा अलीगढ़ में संचालित चाचा नेहरू स्कूल और मदरसे में अब इस मंदिर का भी निर्माण करवाया जाएगा। सलमा अंसारी ने कहा कि यहां पढ़ने वाले बच्चों को बाहर जाने आने में कोई खतरा हो सकता है, इसके लिए स्कूल के कैंपस में ही मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में शिव जी सहित अन्य भगवानों की भी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। सिविल लाइन थाना इलाके के भमूला में स्थित है चाचा नेहरू स्कूल और मदरसा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 22 चांसलर के साथ ही पूर्व में देश के उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद हामिद अंसारी की पत्नी द्वारा अलीगढ़ में संचालित चाचा नेहरू स्कूल व मदरसे में बच्चों के लिए मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सलमा अंसारी ने कहा कि हमारे लिए मंदिर मस्जिद सभी कुछ बराबर है। हमारे स्कूल में मस्जिद व मंदिर साथ में रहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ रहे बच्चों को मंदिर जाने के लिए स्कूल कैंपस से बाहर जाना पड़ता है, जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बाहर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो इसकी जवाबदेही कौन देगा, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए हम मंदिर मस्जिद का निर्माण स्कूल में ही कराना चाह रहे हैं। एक ही कमरे में मंदिर व मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। बच्चों की ज्यादा इच्छा है कि मंदिर में शिव जी व हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाए, इसलिए अगर राम जी या किसी और लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मूर्तियां बन चुकी हैं, जैसे ही कमरे का निर्माण पूरा हो जाएगा इनको उसमें स्थापित किया जाएगा। मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे और हिंदू बच्चे जो हैं वो मंगल को या सैटरडे को जाते हैं मंदिर, और कभी होता है कि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। अगर एक विकास है वो अंधा बच्चा भी है, तो अगर किसी का हाथ छूट गया, कोई इधर उधर हो गया, फिर हमारा तो जिम्मेदारी तो हमारी है ना, वो हमारे हॉस्टल में। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि छोटे बच्चों को ना मस्जिद जाना चाहिए ना मंदिर जाना चाहिए, ये दोनों यही मंदिर में जाएं और यही मस्जिद पे नमाज पढ़ें ताकि ये महफूज रहे। अब यहाँ पे जितने हमारे हिंदू बच्चे हैं जो रखना चाहेंगे, चाहे वो शिव जी की रखे, चाहे राम जी की रखे, चाहे हनुमान जी की रखे, वो तो उन पे है। हवन हम एक्चुअली इसलिए करते हैं, एक तो ये कि हमारे असेंबली में कुरान पहले पढ़ा जाता है, फिर गायत्री मंत्र होता है, फिर लॉर्ड्स प्रेयर होती है जो क्रिश्चियन प्रेयर है। तो हम तो ये सोचते हैं कि हर मजहब में जो कुछ भी है वो हमारे फायदे के लिए है, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। तो हवन भी एक ऐसी चीज है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो एटमोसफेयर में नेगेटिविटी होती है या इस किस्म के, यहाँ बहुत से लोग आते हैं किसके दिल में क्या है हमें नहीं मालूम, तो उससे बहुत ज्यादा सफाई हो जाती है। नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हवन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रोल वो करता है, और ये हमने हमेशा से करवाया, अभी से नहीं है। मेरे स्कूलों को 19 साल हो गए। आपका नाम क्या है? सलमा अंसारी। देखिए, मैं मुसलमान हूँ या हिंदू, मैं तो सब हूँ, हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, क्रिश्चियन भी हूँ, मगर सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो सबसे खूबसूरत मुख्तलिफ रंगों से सजा बना जो तहजीब है, मैं तो उसी को बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसी की प्रोडक्ट हूँ। मैं ऐसे जमाने की प्रोडक्ट हूँ जब हमें मालूम नहीं था कि हिंदू है, यू मुसलमान, मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, ईद में सब आते थे, कोई ऐसा वो नहीं था। अब थोड़ा वो मेरे ख्याल में
ہفتے اس کے لیے، دو ہفتے میں کمرہ جو ہے اس میں ایک طرف مسجد ہوگی ایک طرف مندر ہوگا، تو وہ کمرہ تیار ہو رہا تھا، اس میں پتائی وغیرہ ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں میرے پاس تین مدرسے ہیں، ایک تو یہ ہے سینئر، ایک جونیئر چاچا نہرو ہے، مدرسہ چاچا نہرو وہ دودھ والے دودھ پور کے پاس ہے، اور ایک النور میں ہے، النور